bites. This is Unnati Vich wishing you a very happy Diwali. और इस दिवाली को और मीठा बनाने के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं 2-in-1 फिरनी. तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं. 2-in-1 फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए राइस. 1/3 कप राइस लिया है हमने यहाँ पे और इसे हमने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में सोक करके रख दिया था. शुगर 1 कप और हमें चाहिए मिल्क 5 कप्स ऑफ मिल्क. 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ रोज एसेंस. यहाँ पे हमने 6 हरी इलायची ली है जिसके हमने सीड्स निकाल ली है. एंड अ पिंच ऑफ फूड कलरिंग. यहाँ पे हमने येलो कलर लिया है. यहाँ पे हमने 2 टीस्पून पिस्ता लिया है जिसको ब्लांच करके हमने उसके छिलके हटा लिए हैं. फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो चावल लिया है 1/3 कप चावल से हम एक ब्लेंडर में डाल देंगे. 2 टेबलस्पून इसमें मिल्क ऐड करके हम इसे फाइनली ब्लेंड कर लेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एकदम फाइनली ब्लेंड कर लिया है चावल और दूध को. अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और तब तक हम फिरनी के लिए दूध को बॉईल कर लेंगे. फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक हैवी बॉटम पैन लिया है और उसमें हम मिल्क ऐड कर देंगे. यहाँ पे हमने 5 कप मिल्क लिया है और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे एक बार. जैसे ही एक बॉईल आ जाए इसमें फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावल जिसको हमने ब्लेंड करा था और साथ साथ ही हम इसे धीरे धीरे डालेंगे और साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि कोई भी लम्स जो है वो फॉर्म ना हो. ये बहुत ही एसेंशियल है कि आप इसे लगातार चलाते रहें. अगर नहीं चलाएंगे तो इसमें बहुत जल्दी लम्स फॉर्म हो जाते हैं. चावल को ऐड करने के बाद एक बार फिर हम जो गैस है उसे हाई फ्लेम पे कर देंगे और एक बॉईल और आने देंगे दूध में. अब जैसा कि आप देख सकते हैं एक और बॉईल आ गया है दूध में. अब हम फ्लेम को एकदम लो पे कर देंगे और 20 to 25 मिनट्स तक सिमर होने देंगे. बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जो दूध है वो चिपके नहीं पैन के साथ. अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे 20 मिनट तक सिमर होने दिया है और एकदम थिक कंसिस्टेंसी का हो गया है. अब हम इसमें ऐड करेंगे कार्डमम जिसके हमने सीड्स अलग कर लिए थे निकाल लिए थे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे. और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. साथ साथ चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक जब तक जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए. शुगर जो हमने ऐड करी थी वो एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है फिरनी के साथ. अब हम फिरनी को एकदम इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने के बाद एक पार्ट में हम ऐड करेंगे पिस्ता जिसको हमने ब्लांच किया था और फिर हमने इसे ब्लेंड कर लिया है पानी के साथ और उसे हम मिक्स कर देंगे. ध्यान रखें कि जो फ्लेम है वो एकदम लो पर हो और इसे 1 मिनट के लिए और हम कुक कर लेंगे. फिर हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलरिंग. हमने फूड कलर को पानी में मिक्स कर लिया है और 1 to 2 टीस्पून फूड कलर हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि एक अच्छा सा येलो कलर इसमें आ जाए. अब ये जो है एकदम रेडी है तो हम गैस को ऑफ कर देंगे. जो सेकंड पार्ट है फिरनी का उसमें हम ऐड करेंगे रोज़ एसेंस और इसमें हम केवल 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ रोज़ एसेंस डालेंगे और इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अच्छे से मिक्स करने के बाद जिसमें भी आपको सर्व करना है फिरनी उस बोल में हम इसको पहले फिरनी की जो वाइट लेयर है उसे डालेंगे. और इस लेयर को सेट करने के लिए हम फ्रीजर में इसे 15 टू 20 मिनट्स के लिए रख देंगे और फिर इसके ऊपर हम दूसरी लेयर जो येलो लेयर है वो हम ऐड करेंगे. अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे 15 टू 20 मिनट्स के लिए फ्रीजर में सेट कर दिया था. अब हम इसके ऊपर से फाइनली ऐड करेंगे येलो लेयर
और फाइनली इसे हम 4 से 6 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने देंगे रेफ्रिजरेटर में और फिर गार्निशिंग करके हम इसे सर्व करें। दोनों लेयर्स को ऐड करने के बाद हम इसे गार्निश करेंगे बादाम से। यहाँ पे हमने बादाम को पतले स्लाइसेस में काट लिया है, ब्लांच करने के बाद उसे हम इससे गार्निश कर देंगे। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं ऊपर से। एंड फाइनली हम थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर सकते हैं रोज पेटल्स के साथ। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चांदी का वर्क भी इसके ऊपर हम ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह अच्छे से डेकोरेट करके फिर हम इसे सर्व कर देंगे। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ऑल माय फ्रेंड्स। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।